सो गाइज बेसिकली बहुत सारे लोग मेरे से कह रहे थे कि जो बहुत सारे क्या मतलब मैक्सिमम लोगों को एक क्वेरी होगी कि आपका जो न्यूक्लियस है वॉच, ये न्यूक्लियस है बेसिकली, मैं आपको दिखाया था ये वाला वॉच फेस न्यूक्लियस में ही है, आपको पता ही होगा। तो एमोलेड डिस्प्ले के साथ वॉच बहुत अच्छी है, डेडिकेटेड आपको सेंसर मिल जाते हैं, और उसी के साथ हमारे पास है रिंग 3। यस, ये भी फायरबोर्ड की अच्छी वॉच है, इसमें भी क्राउन वर्किंग है, और एज सच इसमें भी क्राउन वर्किंग है, देख सकते हो इस तरीके से, राइट। अपने पिक को एज अ वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, बट जो स्ट्रैप्स हैं इसके उसमें आती है इशू, मतलब उसमें लोगों को इशू आता है, क्या इन दोनों के स्ट्रैप्स इंटरचेंजेबल है, क्या 20mm के स्ट्रैप्स है इसमें, क्या 22mm के हैं, आफ्टर मार्केट के आपको कहाँ से मिल सकते हैं वो हम चेक करेंगे, और बिल्ड क्वालिटी दोनों की एग्जैक्टली सिमिलर है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाता है देखने के लिए। बट गाइस मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे ज़्यादा लुक और फील प्रीमियम आता है न्यूक्लियस का ही, अगर आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा डाल सकते हो तो न्यूक्लियस आपके लिए बेटर हो सकती है रेदर देन गोइंग फॉर रिंग 3। रिंग 3 की भी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, बट ये है कि ये आपको और कम प्राइस ब्रैकेट में मिल सकती है, वैसे 2699 तक की गई थी वैसे अभी 2-3 दिन पहले, अभी इसका प्राइस है मेरे ख्याल से 2899-2999 रुपये होगा, और इसका जो प्राइस है वो आपको 3799 रुपये, थोड़ा सा ज़्यादा है, वैसे 3500 तक भी ये बहुत अच्छी वॉच है, बट 3799 थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बट ठीक है, मतलब 3799 भी वैल्यू फॉर मनी ये वॉच आपको मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे जैसे कि आपको कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे साथ में जो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला ऑप्शन है वो कमाल का है, साथ में आपको ये वाटर लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाता है इसमें भी आपको वाटर लॉगआउट का ऑप्शन मिलता है, वैसे इसमें मैं दिखाया था इधर की साइड, यहाँ पे जब आप शेक करोगे इसमें तो इसमें भी आपका वाटर लॉगआउट वाला फीचर काम करने लगेगा, देख सकते हो इसमें भी चालू हो गया है, तो इस तरीके से पानी जब आपका जाएगा वॉच में तो आप इस तरीके से बाहर कर सकते हो। बट गाइस जो मेन चीज़ है वो चेक करते हैं, उस पर हम आते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उनका तो ये जो स्ट्रैप है वो निकलता नहीं है, तो गाइस ये बहुत ज़्यादा अंदर की साइड है, तो आपको अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो ये बाहर की साइड आपको लाना है, और इसको स्ट्रैप को इधर की साइड खींचना है पीछे की साइड, और ये स्ट्रैप निकल जाएगा इसका। ये न्यूक्लियस का है, मैं बता रहा हूँ आपको न्यूक्लियस में आपका कितने एमएम का स्ट्रैप लगेगा, क्योंकि मेरे पास है एक्चुअली, मेरे पास 22mm के स्ट्रैप्स हैं, ये रहे 22mm के, ये मेरे पास आफ्टर मार्केट के हैं, और दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ मेरे पास 20mm के पड़े हैं, ये रहे, ये नॉइस का स्ट्रैप है 20mm का, तो देखेंगे 20mm के इसमें लगते हैं या 22mm के लगते हैं। और एक और है मेरे पास जो हैं ये वाले, ये भी 20mm के हैं, तो देखेंगे यहाँ पे ये वाले बेटर लगेंगे इस पर कि नहीं लगेंगे, ठीक है। वैसे फ़िलहाल हम इसको निकालते हैं पहले, तो ये थोड़ा सा टिपिकल काम है, अगर आपके नेल्स बढ़ें तो आप आराम से यहाँ पे पहुँच जाओगे, और इधर ले आके और इसको इधर को पीछे को खींचना है, तो यहाँ पे हम करते हैं ट्राई। नेल्स तो मेरे भी बड़े नहीं हैं गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा टाइट है वैसे भी ये, एक काम आप कर सकते हो वैसे, ओके आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे निकल चुका है, एक कहाँ पे कर सकते हो, आपके पास अगर पेन है पेन की नेब से आप इसको निकाल सकते हैं, और मेटल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, टूटेगा उठेगा नहीं, कोई दिक्कत मत करिएगा आप। ये देख सकते हो यहाँ पे जो स्ट्रैप है कौन सा वाला है, वैसे अभी वैसे में 22mm का लग रहा है मेरे को, बट हम अभी प्रैक्टिकल वे में लगा के देखेंगे, पहले इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसको आपको लेके आना है इधर की साइड, और ये आ चुका है बाहर, ठीक है ये वाला भी, और ये हमारी वॉच फ्री हो चुकी है। अब गाइज यहाँ पे एप्पल की वॉच लग रही है पूरी है। स्ट्रैप्स कितने एमएम के हैं इसके, क्या लग रहा है आपको देखने में, मुझे तो गाइज ये 22mm के लग रहे हैं, और हम नाप लेते हैं वैसे अभी, क्योंकि 20mm के ये रहे मेरे पास, तो 20mm के देखते हैं यहाँ पे, थोड़े से बड़े हैं 20mm से, देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो खुद ही आप अंदाज़ा लगा लो 20mm से थोड़े से बड़े हैं ये वाले, ठीक है। तो 22 के चेक करते हैं, ये रहे मेरे पास 22mm के, तो फोकस हो गया, ओके एग्जैक्टली 22mm के हैं ये, ठीक है न्यूक्लियस में आपके, तो 22mm के हम ये वाले आफ्टर मार्केट वाले चेक करते हैं लगा के, क्या लगेंगे या नहीं लगेंगे। यहाँ पे ये रही हमारी वॉच, और ये रहे हमारे स्ट्रैप, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं आ रहा है, वैसे तो गाइज ये नहीं आ रहे हैं स्ट्रैप्स इसमें फिट, थोड़े से बड़े पड़ रहे हैं, थोड़े से छोटे पड़ रहे हैं बेसिकली, देखो यहाँ पे, तो न्यूक्लियस में आपके 22mm के भी छोटे पड़ रहे हैं, और मतलब यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं गाइज, ये देखो आ नहीं पा रहे हैं बेसिकली, ये तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करनी पड़ेंगे, या तो आपको
फायरबोल्ट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तो थर्ड पार्टी वाले आपके नहीं यूज़ हो पाएंगे न्यूक्लियस में, क्योंकि मेरे पास ये थर्ड पार्टी वाला ही है 22M का। और एक और मेरे पास पड़े हुए, इससे स्लिम वाले देखता हूँ मैं, क्या पता आ जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कोई फायरबोल्ट की वॉच का ही 22M का इसमें लगा के आफ्टर मार्केट के लग पाएंगे कि नहीं लग पाएंगे। सो गाइज ये मेरे पास हैं, एक इनविंसिबल के हैं बेसिकली, ये लेदर वाले हैं, तो देखेंगे लेदर वाले क्या लग सकते हैं उसमें, क्योंकि ये थोड़े से स्लिम है वैसे इधर की साइड से, तो देखते हैं। यहाँ पे ये भी 22M के हैं, ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। ये रही हमारी न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे किधर की साइड है ये रहा, तो गाइज ये छोटा पड़ रहा है, देखो 22M का छोटा पड़ रहा है इसमें, तो गाइज पॉसिबल नहीं है न्यूक्लियस में आपका, पॉसिबल नहीं है लगा पाना, मतलब स्ट्रैप्स का ये वाले आफ्टर मार्केट के आप नहीं यूज़ कर सकते। आपको यूज़ करने तो उसी तरीके वाले यूज़ करने पड़ेंगे जो मुझे लग रहा है आपके उसमें मिल जाते हैं रिंग थ्री में, तो रिंग थ्री के एक बार चेक कर लेंगे, एक बार हम लगा के देखते हैं रिंग थ्री के, ये तो इसी के ही हैं, तो हम रिंग थ्री के चेक करते हैं। सो गाइज ये रही मेरे पास रिंग थ्री, तो रिंग थ्री ही है, आप चेक कर लीजिए, ये रहे स्ट्रैप्स इसके रिंग थ्री के, तो रिंग थ्री के देखते हैं यहाँ पे लगते हैं कि नहीं न्यूक्लियस में। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको रिमूव करते हैं और ये बाहर आ चुकी है, और एक ही हम रिमूव करते हैं वैसे, रिंग थ्री में एक लगे रहने देते हैं, देखते हैं वहाँ पे अगर एक आ जाएगा तो दूसरा भी आ ही जाएगा। तो ये रही हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली, यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं लगता है कि नहीं लगता, गाइस परफेक्टली फिट हो रहा है, परफेक्टली फिट हो रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो पूरा। तो गाइस रिंग थ्री के स्ट्रैप्स पर्टिकुलरली इसमें चल जाएंगे, मतलब आपकी न्यूक्लियस में रिंग थ्री के स्ट्रैप्स ही लगेंगे, तो ये वाले स्ट्रैप्स आपको बाय करने पड़ेंगे, और कोई स्ट्रैप्स इसमें नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा इशू है मतलब आपकी न्यूक्लियस और रिंग थ्री के साथ, ठीक है। और रिंग थ्री की बात हम करें तो रिंग थ्री हमारी ये रही, रिंग थ्री के स्ट्रैप्स हम दोनों निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, और ये रहे रिंग थ्री के स्ट्रैप्स, और रिंग थ्री हमारे पास ये रही। अब मैं एक चीज़ दिखाऊँ ना आपको, ये रहे रिंग थ्री के स्ट्रैप्स, और यहाँ पे ये रहे आपके न्यूक्लियस के स्ट्रैप्स, तो न्यूक्लियस के और रिंग थ्री के स्ट्रैप्स हूबहू सिमिलर हैं, तो गाइस ऑब्वियस ही बात है मतलब तो वही वाले स्ट्रैप लगेंगे, ठीक है। तो आपको आफ्टर मार्केट से नहीं, ये वाले स्ट्रैप्स दिखा के आप पूछ लेना आफ्टर मार्केट में अगर मिलते हैं तो, वैसे 22M से थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं, आई डोंट नो यहाँ पे ये तो जो स्ट्रैप है वो तो 22M का ही है, बट ये जो मैकेनिज्म है आपका स्प्रिंग वाला तो ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अब गाइस हम न्यूक्लियस के साइड रखते हैं, और ये आपके रिंग थ्री के जो हैं, रिंग थ्री में हम चेक करते हैं वैसे फ़िलहाल अलग से कि इसमें आएगा कि नहीं कोई और वाला। यहाँ पे 22M का है मेरे पास, तो यहाँ पे 22M को चेक करते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है गाइस, देखो छोटा पड़ रहा है, देखो यहाँ पे अगर आ जा रहा है तो यहाँ पे आपका है ना, नहीं आ पा रहा, गैप नहीं उतना, तो गाइस ये वाले नहीं आ पाएंगे इसमें, और इवन 20mm के तो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, मतलब है स्लिम ये वाला, देखो इतना गैप रह रहा है, तो गाइस पॉसिबल नहीं है, और ये वाले भी नहीं आ पाएंगे आपके, इतना गैप रह जा रहा है। तो गाइस रिंग थ्री और आपका ये न्यूक्लियस दोनों में ही पॉसिबल नहीं है कि आप आफ्टर मार्केट के स्ट्रैप लगा पाओ, नॉर्मली आप बाय करके फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से, आपको क्या करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा कुछ ऑप्शन वैसे तो फिलहाल। अब गाइस बात ये है कि मतलब सिंपल सी बात है, आपको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी स्ट्रैप्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी इसमें न्यूक्लियस और आपका ये रिंग थ्री में, राइट। तो गाइस ये थी एक सिंपल सी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।